अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सिंधी टीचर। मैं आपको बुनियादी सिंधी, बेसिक सिंधी, स्टार्टिंग सिंधी से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद हमने स्टार्ट किया है क्लास 3 टू क्लास 10। रोज़ाना एक चैप्टर पढ़ेंगे, एक्टिविटी करेंगे, कोई भी चैप्टर मिस नहीं होगा। अगर आप स्टार्ट से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी पिछले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने सिंधी की बुक क्लास 3 में चैप्टर 19 कंप्लीट कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे सिंधी की बुक क्लास 3 में चैप्टर 2020, जिसे सिंधी में सबक वेहून पढ़ते हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे? सिन बेसा बेकफ बक सबक वाव ये वी है वहून उनके हूँ सबक व्यून। आज हमारे पास औरफ है ऋण, काफ नहीं है। ये मेरे बुक में गलती से शायद हो गया है, आपके पास है नहीं पता मुझे, लेकिन मेरे यहाँ पर ये गलती से छप गया है। आज हरूफ हैं ऋण, काफ पढ़ चुके हैं हम, तो मैंने इस तरफ लिख दिया है ऋण। हरूफ ऋण है आज, और ये नून नहीं है, नून की तरह का नून गुन्ना है और इसमें एक छोटी थुई लगा दिया गया है। ये ठे भी नहीं है, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे ऋण ऋण, ओके। कैसे पढ़ेंगे? ई हो वण आही, इसको कैसे पढ़ेंगे? है ये ही अमजा पेश ओ ई ओ वो जबर वा ऋण पेश रू वाणो अलीमद आ है ये ही आही ई हो वण आही। वण कहते हैं किसी भी दरख्त को, किसी भी किस्म का दरख्त, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं दरख्त। बाद में हम कहेंगे आम का दरख्त, सेब का दरख्त, लेकिन हम एक मरतबा कहेंगे दरख्त। तो दरख्त कहते हैं इस दरख्त को सिंधी में वण कहते हैं। हम कहेंगे ये दरख्त है। ई हो दण आही, इसको कैसे पढ़ेंगे? है ये ही अम से पेश ओ ई हो दहजबर द ऋण पेश रो धड़ो लिमत आ है ये ही आही ई हो दण आही। दड़ कहते हैं माल मवेशी, बहुत सारे जो होते हैं उनको कहेंगे, मतलब माल को हम उर्दू में कहेंगे माल है, हमारे पास माल मवेशी हैं, तो इसी तरह हम सिंधी में कहेंगे दण, ओके। ये माल है, इस तरह से कहेंगे ये माल मवेशी हैं, या ये मवेशी हैं भी बोल सकते हैं। ई हो हरण आही, इसको कैसे पढ़ेंगे? है ये ही अमजा पेश ओ ई हो हजबर हर रो जबर र हरा ऋण पेश रो हरण अलीमत आ है ये ही आही ई हो हरण आही। हरण कहते हैं हिरण को, तो हम उर्दू में कहेंगे ये हिरण है। इह हरणी आही, इसको कैसे पढ़ेंगे? है ये ही अमजा जबर आ ई आ हजबर हर रेजे री हरी ऋण ये जेरी हरणी अलीमद आ है ये ही आही इहा हरणी हाही। हरणी कहते हैं हिरणी को, जो हिरण में मादा होती है, जो बच्चे पैदा करती है, उसको हिरणी हम उर्दू में कहेंगे और सिंधी में हम हरणी कहेंगे। इसे हम ये कह सकते हैं ये हिरणी है, उर्दू में ऐसे कहेंगे। कुछ एक्टिविटी करवाऊंगी। इस तरफ जो अल्फाज लिखे गए हैं ये सिंधी में हैं और ये इनके उर्दू में मायने लिखे गए हैं। वण का मतलब दरख्त होता है, दण का मतलब माल मवेशी, हरण का मतलब हिरणी होता है, हरणी का मतलब हिरनी होता है, ईहा या ईहो का मतलब होता है ये, आही का मतलब होता है बड़ी ये है। मुजक्कर और मुअन्नस में हमारे पास एक ही हरफ है, हरण यानी कि हिरण उर्दू में ये है और सिंधी में ये है। हरणी मतलब हिरनी। उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।